कि लॉ इज अ सब्जेक्ट जो हर 6 महीने में क्या होता है फ्रेंड्स, अपग्रेड होता है, चेंज नहीं, अपग्रेड होता है. चेंजेस मतलब पुराना माइनस नया इन, अपग्रेडेशन यानी कि पुराना भी रहेगा और नया भी रहेगा. तो आज से आपका सिर्फ लॉ का जर्नी स्टार्ट हुआ है. एक बार फाउंडेशन क्लियर हुआ तो ये मत समझना लॉ आपको पूरा आता है, नहीं फ्रेंड्स. आपका एग्जीक्यूटिव पास हो गया, प्रोफेशनल पास हो गया, फिर भी लॉ तुमको पूरा नहीं आता. जिंदगी भर जब तक आप सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा. और अपग्रेडेशन कहां से आता है? गूगल से नहीं करने का फ्रेंड्स. सी, गूगल इज अ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट द नॉलेज. इसलिए कभी भी अगर लॉ में कोई भी तकलीफ आती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सब शायद आप लोग ने सुना रहेगा, इन लोग के पास से अलग 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 नोटिफिकेशन इश्यू किया जाता है. नोटिफिकेशन यानी कि आर्टिकल्स, यानी कि लेख, वो पढ़ने का. हो सकता है कि आपको शायद वो आर्टिकल लेख नहीं समझता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर नहीं समझता है, आपका कोई भी सीनियर रहेगा, वो सीनियर के साथ अच्छा सा डिस्कशन करो, डिबेट नहीं है, डिस्कशन करो, और डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तुमको आएगा ही आएगा. लेकिन यहां आपको मेहनत करना फ्रेंड्स जरूरी है. फ्रेंड्स रिस्पेक्टेबल, आप कोई भी कोचिंग क्लास में जाओ सीएस में, टीचर का रोल से 60% रहेगा फ्रेंड्स, मैं पहले ही लेक्चर में बोलता हूं. 40% आपका रोल है. 12th सेंटर में अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को बहुत ही हैवी मार्क्स दिया जाता है, 84, 85, 86% इज यूजलेस. वेरी ट्रू टू यू फ्रेंड्स, कुछ काम का नहीं है. माइकल वास की किताब पढ़ो, 15 पॉइंट रहेगा, 10 पॉइंट करो, मार्क्स आ जाता है. ये प्रोफेशनल एग्जाम है. 11th 12th कोई भी होटल में जाके स्टार्टर खाने के बराबर है. सीपीटी, फाउंडेशन, सीएस, सीए, ये सब प्रोफेशनल एग्जाम है. प्रोफेशनल में पास में हम लोग ने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है जो 11th 12th में मेरिट में आए हैं और सीएस में अभी तक फेल हो रहे हैं. जो 11th 12th में एकदम कम आए थे और सीएस क्लियर हो गए हैं. और क्लियर कौन होता है? द स्टूडेंट्स हु इज वर्किंग हार्ड फ्रेंड्स. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सीएस क्लियर होना पॉसिबल नहीं है. चाइल्डिशनेस, अनमेच्योरिटी, वो सब फालतू चीज होता है, वो अलग रखो फ्रेंड्स. यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वर्क हार्ड. क्योंकि हम लोग जब सीएस हुए थे हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. आप लोग जब सीएस हो रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. द वे मिस्टर मोदी इज वर्किंग ऑल ओवर वर्ल्ड, आने वाले 6 साल के अंदर इंडिया में फंड फ्लो बहुत ही आने वाला है. राइट नाउ 33 लाख कंपनीज है इंडिया में फ्रेंड्स. इन लोगों का टारगेट है 3 करोड़ कंपनी लेके जाने का है. 3 करोड़ कंपनी, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के अंदर 3 इंसान चाहिए. सबसे पहला आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकेंड आता है कंपनी सेक्रेटरी, एंड थर्ड वन आता है एडवोकेट, सॉलिसिटर. क्योंकि ये 3 इंसान के बिना कभी भी कोई भी कंपनी ऊपर चलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो अगर कल उठ के सीएस होने के बाद भगवान ना करे तुम्हारी एक भी गलती हुई फ्रेंड्स, तो याद रखना कि आपकी गलती की वजह से तुम्हारा सेट को नुकसान होगा. कभी कभी अगर तकलीफ हुआ तो सेट को आंसर मत दो, नहीं समझा समझा, शांति से बैठने का, सोचने का, कोई भी प्रॉब्लम है फिर जाके आंसर दो. बट अगर तुम्हारी एक भी गलती अगर हुई तो आपके गलती की वजह से क्या होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान जाने का चांसेस है. यानी कि यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस. प्लीज रिमूव योर 12th स्टैंडर्ड एटीट्यूड नाउ. गया ड्यूरिंग माई लेक्चर इन लॉ आई विल बी टेकिंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो मैंने मेरी जिंदगी में कहां स्टडी किया रहेगा या कोर्ट के अंदर मैंने कहां प्रैक्टिस किया रहेगा. जो भी यहां मैं आपके साथ एग्जाम्पल केस स्टडी शेयर करेगा, मेरा जो भी नॉलेज रहेगा उसको आप यूटिलाइज कीजिए फ्रेंड्स. आपको डेफिनेटली कहां ना कहां फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको डेफिनेटली ये काम आएगा. लेकिन मेरे नॉलेज का आपको यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए. यहां मैं हो सकता हूं कंप्यूटर कम इट्स ओके नो प्रॉब्लम. यहां ऑल ऑफ यू पेटेशन, हाँ यहां मैं तुमको फाउंडेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन बोलता हूं. कभी कभी कुछ पढ़ाने के टाइम थोड़ा सा हाई लेवल जा सकता हूं, एग्जीक्यूटिव के लेवल पे जाऊंगा. तकलीफ होगी, नहीं समझेगा तो 2 बार समझाएगा, नहीं समझेगा तो 4 बार समझाएगा, नहीं समझेगा 5 बार समझाएगा, फिर नहीं समझेगा फिर रट्टा मारना फिर. लेकिन 5 बार तक तुमको समझना जरूरी है. अगर तुमको समझो कि रिक्शा चलाना है तो ट्रक चलाना सीखो, रिक्शा इजी हो जाएगा. नहीं समझा समझा. अगर आपको रिक्शा चलाना है मैं तुमको चलाना नहीं सिखाएगा,
साइकिल चलाने सिखाएगा तो रिक्शा चलाना डिफिकल्ट होगा. सेकेंड चीज, आपका फाउंडेशन का पेपर कैसा आता है वो सब मालूम है, हाउ मेनी पेपर्स है वो सब तो मालूम है ना, विच ऑल पेपर्स यू आर हैविंग, अकाउंट्स, सेकेंड वन इज स्टैट्स, नेक्स्ट वन इज बीसी, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, वन इज गरीब सब्जेक्ट लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप, सुना ये सब. पहला तो चीज याद रखो फ्रेंड्स कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी पेपर आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो. इन फाउंडेशन एग्जाम देयर माइट बी 22 to 24 सेट्स ऑफ पेपर. हर एक स्टूडेंट को अलग अलग पेपर आता है बिकॉज इट इज एवरीथिंग कंप्यूटराइज. कभी कभार फ्रेंड्स आप 5 स्टूडेंट्स लाइन से बैठे हो, बाजू वाले को कोई अलग पेपर आया है, आपको कोई अलग पेपर आया है, और इसके अंदर फ्रेंड कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. इस बार जो एग्जाम हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स एंड लॉ आया, तो किसी को सिर्फ इंग्लिश एंड एंटरप्रेन्योरशिप आया था, किसी को सिर्फ स्टैट्स और बाकी दो सब्जेक्ट आया था. तो कोई भी सब्जेक्ट आपको आने का चांस हो सकता है. नहीं समझा, समझा नहीं समझा लगता है. देयर आर एज मेनी सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट का आपको कोई भी पेपर आएगा, या कोई सब्जेक्ट का शायद पेपर आपको नहीं भी आएगा. कुछ स्टूडेंट्स को नहीं, अभी समझा नहीं समझा, कोई स्टूडेंट्स को फिलहाल कुछ भी पेपर में अभी नहीं आया था. कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिसको लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ अकाउंट्स एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश आया था. तो एक दो स्टूडेंट ऐसे थे कि जिसको नॉर्मली बाकी कोई सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन आए थे, बाकी कुछ आए थे. इन शॉर्ट इन लोग ने सीएस इंस्टीट्यूट ने रूल क्यों बनाया है, ताकि आप लोग जो एग्जाम में कॉपिंग करते हो वो कॉपिंग क्या हो जाए फ्रेंड्स, बंद हो जाए. अभी समझाइए, और प्लस पेपर करेक्शन फास्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो फ्रेंड्स पेपर करेक्शन होता है वो इंसान पेपर करेक्ट नहीं करता, इट इज डायरेक्टली कंप्यूटराइज स्कैनिंग. समझाइए, जब भी आपका एग्जाम रहेगा 20 दिन के अंदर आपका पेपर करेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्कैनिंग, 4 से 5 दिन के अंदर रिजल्ट प्रिपेरेशन हो जाता है, बचा कोचा 3 दिन के अंदर लॉग इन हो जाता है, और जिस दिन एग्जाम रहेगा वो दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कहने का मीनिंग है कि यहां एक ही सोल्यूशन है, हार्डवर्क. हार्डवर्क के अलावा फ्रेंड सीएस में कुछ भी नहीं है. एंड कीप वन थिंग इन माइंड, सीएस अपना जो डिग्री है इट्स ओनली द डिग्री विच इज मेरिटोरियस. सुने फ्रेंड्स, मेरिटोरियस, व्हाट इज मेरिटोरियस? आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ओबीसी हो, बीसी हो, कुछ लेना देना नहीं है. एक ही डिग्री ऐसी होती है कि जो मेरिट पे चलती है, यहां एक ही लेना देना है, हार्डवर्क. जितना हार्डवर्क तुम करोगे उतना डिग्री आने का चांसेस है. और सीएस कभी मार्केट से बंद नहीं होगा फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइवेट डिग्री, इट इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री. बाकायदा मॉड्यूल के नीचे लिखा हुआ है, इट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सुना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सीएस बनाया ही क्यों गया है? ताकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए फ्रेंड्स इकोनॉमी का, उसके लिए बनाया गया है. तो इट इज नथिंग बट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इन शॉर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेहनत, हार्डवर्क, ये सबसे ज्यादा में ज्यादा रिक्वायरमेंट है. आई विल बी लुकिंग आफ्टर योर सब्जेक्ट कंसिडर एज लॉ. आज के पहले फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग ने लॉ कभी पढ़ा नहीं रहेगा, और लॉ सब्जेक्ट में याद रखना कि कभी भी क्राइम पेट्रोल जैसे प्रोग्राम देखे लॉ नहीं समझता, ये आप समझ लेना. क्राइम पेट्रोल क्या फ्रेंड्स? टाइम पास है. कभी नींद नहीं आती रहेगी, देख लो यार क्राइम पेट्रोल, आधे घंटे में नींद आ जाएगी. अगर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है क्राइम पेट्रोल दे दो, सुसाइड करने को पहुंच जाएगा इंसान. तो क्राइम पेट्रोल टाइम पास है, उसको टाइम पास, डिज्नी को डिज्नी पे रखो, उसको ओरिजिनलिटी पे मत लाओ फ्रेंड्स. लॉ के अंदर राइट नाउ यू आर हैविंग मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स. आप लोग चैप्टर्स बोलते हो, हम लोग हमारी एलएलबी की भाषा में वी पीपल कंसिडर एज एक्ट. जैसे कि सबसे पहला एक्ट आएगा जिसका नाम है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ. सेकेंड मदर ऑफ ऑल द एक्ट आएगा जो एक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहा जा सकता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जैसा ही और एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट कहा जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहा जा सकता है. एंड लास्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013. फ्रेंकली स्पीकिंग कंपनीज एक्ट एक ही है, लेकिन अपने सिलेबस में दो रखा है, कंपनीज एक्ट 1 एंड कंपनीज एक्ट 2. तो टोटल दिस आर द 7 चैप्टर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स.
इसमें से हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही जरूर से ज्यादा डिटेल में जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेंड्स पाया मजबूत हो गया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो समझो कि ऑलमोस्ट 50% सेल्स ऑफ गुड्स खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 40-50% पार्टनरशिप खत्म हो गया, एंड ऑब्वियसली सर्टन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज भी खत्म हो गया। आज भी अपने लॉ में माना जाता है फ्रेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ मदर ऑफ ऑल दी एक्ट, जो बात हकीकत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही मैक्सिमम जितने भी रिस्पेक्टेबल लॉ बने हैं उसका फॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने के टाइम फ्रेंड्स कभी कभार आई बिकेम मोर ऑफ हाई लेवल या हाई पोजीशन के हिसाब से मैं तुमको कोई केस एक्सप्लेन कर सकता हूं, या कभी कभी आई मे क्रॉस इवन माई बाउंड्रीज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर मैं आपके पास से भी एक मैच्योरिटी चाहता हूं। कभी कभार मैंने कुछ सेंसिटिव कुछ आपको समझा दिया, आपको समझ भी गया, लेकिन बाहर जाके नहीं बोलने का। कल उठ के शिवसेना मन से कोई भी मेरे को मारने आएगा मैं भाग जाएगा और तुम्हारा पोषण अटक जाएगा। अभी समझा नहीं समझा? इसलिए ये सब देखो, तुम लोग भी मैच्योर हो, मैं भी मैच्योर हूं, तुम लोगों भी दाढ़ी मूछ आ गया है, मैच्योरिटी आ गई है, लड़की लोग का नॉर्मल है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में एक मैच्योरिटी चाहिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स पढ़ाने के टाइम हम लोग भी क्या होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट देख के एक दो केस कुछ हाई लेवल के बता देते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, फिर तुम बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन फिर तुम्हारे में मैच्योरिटी होना चाहिए कि आपके मम्मी डैडी को जाके केस नहीं बताने का। नहीं समझा? समझा। या कभी कभी तुम्हारा जो फ्रेंड्स रहेगा, जो बावरा रहेगा, उसको जाके नहीं बता रहे, हमारे सर ने ऐसा बोला था, ऐसा हुआ था, एक इधर ऐसा हुआ था, वो सब बाहर जाके नहीं बताने का। कि आजकल क्या है कि पॉपुलैरिटी करने के लिए कोई कुछ भी करता है यार, मतलब कुछ है ही नहीं यार इसके लिए। तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी रखना चलेगा ना। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिलहाल कुछ नोटबुक नहीं चाहिए, जस्ट रिलैक्स, बाद में टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा जिसका नाम है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आएगा जिसका नाम है मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट कहा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 10 जिसका इंटरप्रिटेशन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। एंड लास्ट टॉपिक आएगा जिसका नाम है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ कहा जा सकता है। चलो ये चार क्वेश्चंस अच्छे से देखते हैं, फिर एक 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 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कानूनी नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन मीनिंग क्या हो सकता है। कानूनी नियम के हिसाब से याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसके अंदर लागू होता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर H अप्लाई होता है। कानूनी नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आता है एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहा जाता है। ये सब क्या है मैं आपको समझाता है, आई जस्ट राइट डाउन फ्रेंड्स। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कानूनी नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिनिमम याद रखना फ्रेंड्स की दो पार्टी होती है। एक पार्टी आती है जिसको आप बुला सकते हो प्रोमिसर कहा जा सकता है। सेकेंड पार्टी आती है जिसको आप बोल सकते हो प्रोमिसी कहा जा सकता है। कानून बोलता है कि प्रोमिसर यानी कि ऐसा इंसान जो पर्टिकुलर इंसान ऑफर करता है, प्रोमिसी यानी कि ऐसा इंसान जो पर्टिकुलर इंसान एक्सेप्टेंस करता है। कानूनी नियम के हिसाब से दोनों भी इंसान के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकल। और एक ही इकोनॉमी चलता है जो इकोनॉमी का नाम है मनी इकोनॉमी। अभी ये हो गया थियरी, इसको हम प्रैक्टिकल से लेते हैं। कानूनी नियम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो आप और हम डेली मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं रहेगा कि वो चीज को कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स कि आज शाम को आप अपने पेरेंट्स के साथ, हम अज्यूम करें कि कोई होटल के अंदर फूड कंज्यूम करने जाते हो, तो आपने होटल वाले को जाके बोला कि प्लीज गेट मी वन सिजलर। अभी आप अगर ऑफर कर रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा, प्रॉमिसर। रेस्टोरेंट वाले को क्या कहा जाएगा, प्रॉमिसी। आपके पास से उसके पास क्या इश्यू किया जा रहा है, मनी। तो उसके पास से अपने पास क्या आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। कानूनी नियम के हिसाब से आप दोनों इंसान के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो रिलेशन को क्या कहा जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या कहा जाएगा,
कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल. एनफोर्सेबल का मीनिंग होता है ओबे बाय लॉ. क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? ओबे बाय लॉ. टेक फॉर एग्जांपल कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हाउसफुल थ्री देखने के लिए गए. आपने देखो पसंद आया कि नहीं है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आप मूवी देखने गए. आपने अगर ऑफर किया तो आपको क्या कहा जाएगा? प्रॉमिस सर. मल्टीप्लेक्स वाले को क्या कहा जाएगा? प्रॉमिस सी. अब दोनों इंसान के बीच में रिलेशन को क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल. क्या कहा जाएगा उसको? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. टेक फॉर एग्जांपल कि यहां से आप अपने घर पे जाते हो, रिक्शा वाला लाइन में खड़ा है और रिक्शा वाला बोला कि जो भी आ जाना चाहता हमारे रिक्शा में बैठो, फिर मुझे बताओ कि कहां जाना है. अगर इनकेस रिक्शा वाला ऑफर कर रहा है तो रिक्शा वाला क्या हो गया? प्रोमिसर, ऑफर. आपने एक्सेप्ट किया तो आप क्या हो गए? प्रोमिसी, एक्सेप्टर. रिक्शा वाले के पास से आपके पास क्या इश्यू किया जा रहा है? सर्विस. तो उसके आपके पास से उसके पास क्या आ रहा है? मनी. अब दोनों इंसान के बीच में रिलेशन को क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल. क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेंड्स, कानून बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा चीज है फ्रेंड्स जो आप और हम डेली मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं, बट कभी हमने सोचा नहीं कि वो चीज को कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. जैसे कि कानूनी नियम के हिसाब से जब भी कोई इंसान का दुनिया में जन्म होता है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड्स. कोई इंसान फुकट में जन्म नहीं लेता है, सब विटामिन एम पैसे से जन्म लेते हैं. जैसे कि कानूनी नियम के हिसाब से इंसान का जन्म हुआ, हॉस्पिटल के चार्जेस लगते हैं. नेचुरल रहेगा तो नेचुरल, सिजेरियन रहेगा तो सिजेरियन के चार्जेस लगेंगे, डॉक्टर के चार्जेस लगेंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस लगेगा, बाकी कुछ नहीं तो मौसी के चार्जेस लगते हैं. कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको. बट वही कानून बोलता है कि वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, नर्सरी के अंदर जाएगा, प्ले ग्रुप में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, पिकनिक के चार्जेस होते हैं, स्टेशनरी के चार्जेस है, वाटर बॉटल के चार्जेस है, टिफिन का चार्जेस है, एग्जामिनेशन चार्जेस होता है. क्या कहा जाता है उसको? कॉन्ट्रैक्ट. बट वही कानून बोलता है कि वही बच्चा 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद कॉमर्स करे, साइंस करे, इंजीनियरिंग करे, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. कोई डिग्री वर्ल्ड में फुकड़ में नहीं होती है फ्रेंड्स, हर डिग्री में डेफिनेटली कम ज्यादा पैसा होता ही है, तो वो भी चीज को क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट. 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद आप CS करो, LLB करो, CA करो, कोई भी रिस्पेक्टेबल डिग्री कीजिए, वो भी एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. अरे जब भी तुम एक बार CS हो जाते हो, आपके नाम के आगे या पीछे CS वर्ड यूज करना है फुकट नहीं है फ्रेंड्स. साल का 1200 से 1500 रुपया इंस्टीट्यूट को आपको पे करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, देन यू आर गेटिंग द लाइसेंस टू यूज कंपनी सेक्रेटरी बिफोर और आफ्टर योर नेम. आप इंस्टीट्यूट के साथ क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट. बट वही कानून बोलता है फ्रेंड्स, फ्यूचर में आप जब भी शादी करते हो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि इंसान जब भी शादी करता है तो उसका सामने वाले के साथ क्या रिलेशन होता है? कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, शादी में हकीकत में मनी, दहेज नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मनी आता है ऐसा लॉ बोलता है. लड़का और लड़की ने शादी किया, व्हाट इज द ऑथेंटिकेटेड प्रूफ? योर पेरेंट्स आर नेवर द प्रूफ फ्रेंड्स. वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफ इज नेवर द ऑथेंटिकेटेड प्रूफ. व्हाट इज द रियल प्रूफ? 7 rupees का मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट. क्या कहा जाता है उसको? कॉन्ट्रैक्ट. उसमें प्रोमिसर कौन, प्रोमिसी कौन, ये हम नहीं बता सकते. जो पहला आई लव यू बोलेगा प्रोमिसर, जो आई लव यू एक्सेप्ट करेगा प्रोमिसी. क्या कहा जाता है उसको? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. फ्यूचर में वो इंसान कभी जॉब करेगा, कभी बिजनेस करेगा, कभी कभार प्रोमिसर बनेगा, कभी कभार क्या बनेगा? प्रोमिसी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. बट वही कानून बोलता है कि जब इंसान मरता भी है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. क्योंकि इंसान के मरने के बाद जब तक उसके नॉमिनी के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता है तब तक उसकी डेड बॉडी को स्मशान यानी कि क्रेमिटोरियम में परमिट करना पॉसिबल नहीं है. क्या कहा जाता है उसको? कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट ओबे बाय लॉ. फ्रेंड्स, समझा कि नहीं? है कुछ इतने बड़े दुनिया में जो बोलेगा सर दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? कुछ तो रहेगा इतने बड़े दुनिया में, सोचो यार. इज अ डेवलपिंग सब्जेक्ट, यू हैव टू थिंक. बोलो, कुछ तो इतने बड़े दुनिया में रहेगा इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ट्राई तो करो यार, रॉन्ग तो रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है? बोलो. हा बेटा, सॉरी, क्या बोल रहे हो? डोनेट करना. क्या डोनेट करते हो आप? जैसे कि क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब टेल मी स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बता सकता हूं. हा,
फूड किसको देते हो आप? गरीब को देते हो. व्हाट यू मीन बाय गरीब? मैं भी गरीब हूं, मुझे फ्लाइट खरीदने का साला पैसा ही जमा नहीं हो रहा. बोल क्या करेगा भाई यार, कितना गरीब हूं सोचो. अभी दे रहे फ्लाइट दे रहे ना मुझे यार. बोलो व्हाट यू मीन बाय बिलो पॉवर्टी? रिजल्ट आ गया. आप एक मिनट रिजल्ट आ गया आपका 12वीं का. 12वीं के रिजल्ट के पहले मंदिर पैक था, रिजल्ट आने के बाद इन्फिनिटी मॉल पैक. बराबर है? मंदिर में क्यों जाते हो? क्योंकि तुम डरते हो, और जाना जरूरी भी है. हमेशा देखा गया कि मंदिर में जब भी जाता है इंसान डोनेशन देता है. फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सिर्फ तिरुपति बालाजी, सिद्धिविनायक टेंपल, नहीं नहीं हंसो मत, ये सिक्स का है पूरा कैलकुलेशन है. तिरुपति बालाजी, फिर कौन सा था, सिद्धिविनायक टेंपल, फिर अपना शिरडी और एक नॉर्मली काशी विश्वनाथ. ये चार टेंपल का एक दिन का कलेक्शन 800 करोड़ का है, और 800 करोड़ में से 2% भगवान पे यूज होता है, 4% पुजारी पे यूज होता है, बाकी सब गवर्नमेंट के पास जाता है. पड़ेगा अगर मंदिर के अंदर पब्लिक ज्यादा नहीं आएगी तो मंदिर भी खंडर बन जाएगा. अगर पब्लिक का ब्लैक मनी निकालना है तो मंदिर को तुमको टॉप क्लास करना ही पड़ेगा. जितना मंदिर टॉप क्लास रहेगा उतना चलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, बट नॉट डायरेक्टली, इट्स इनडायरेक्टली. कभी कभार कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे माय मॉम इज प्रिपेरिंग फूड फॉर मी. इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई योर पेरेंट्स आर या मॉम इज प्रिपेरिंग फूड ओनली फॉर यू एंड नॉट फॉर द नेबर? आपके लिए इसलिए बनाया जाता है कि फिलहाल मॉम तुमको पाल रही है, और सीएस होने के बाद तुमको पालना है. नहीं नहीं नहीं, हंसो मत, यह हकीकत है. जब भी मॉम डैड सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, एंड उनका हक भी है. लोग अपने पास एक्सपेक्ट नहीं करते तो किसके पास करेंगे? तो कहने से कि अपने को टेक केयर इसलिए किया जाता था कि फ्यूचर में हम उसको टेक केयर करें. कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोच के बोलो, आपको और आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट. फ्रेंड्स, तुम लोग जो रस्ते पे चलते हो ना, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. तुम बोरीवली के रस्ते पे चलो, 2 किलोमीटर में एक खट्टा तुमको मिलेगा, क्योंकि यहां टैक्स थोड़ा ज्यादा आता है. तुम उसकी जगह पे विरार के रस्ते पे चलो, 2 किलोमीटर में 15 खट्टे रहेंगे, क्योंकि उधर टैक्स कम आता है. तुम वालकेश्वर नेपेंसी रोड पैडर रोड जाओ, 10 किलोमीटर में एक खट्टा भी नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स उधर से कलेक्ट होता है. वालकेश्वर नेपेंसी रोड इज ओनली द रोड इन इंडिया कि जब बीएमसी हफ्ते में 2 बार पानी से रस्ते को धोती है. मजा आ रहेगा तो अपना इधर एक रास्ता बताओ जो पानी से बारिश के अलावा धोया जाएगा, लेकिन होता है. सरकार का एक ही कैलकुलेशन है, जिस तरह का तुम हमको एड्स दोगे, एड्स मतलब सपोर्ट, टैक्स करोगे, अब तुमको टाइप का क्या दिया जाएगा, बेनिफिट्स. क्या कहा जाता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट. डायरेक्टली इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता ही है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स. श्योर? और कोई चीज विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? बोले डोनेशन कुछ तो रहेगा, सोचो यार, कम ऑन, विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. अरे ट्राई करो फ्रेंड्स, समथिंग विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. थिंक, रट्टोफाई नहीं करना, यू हैव टू डेवलप दैट टैलेंट नाउ. बोलो, बोल बेटा. सॉरी, कौन है तेरा फ्रेंड? ये सब तेरे फ्रेंड है? बर्थडे आता है क्या तेरा? पार्टी देता है क्या? अभी तक आया नहीं मतलब? नहीं, साल में एक बार बर्थडे आता है ना. हाँ, पार्टी देते हो नहीं देते हो? आप पैसा पे करोगे, उन लोग पे करेगा? आ? क्यों पैसा पे करे? फ्रेंडशिप है ना, नहीं करना चाहिए ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर पैसा पे किया, हक से गिफ्ट मांगता है? नहीं मांगना, नहीं मांगेगा कि नहीं मांगेगा, हां या ना बोलना, जल्दी बोल. नहीं मांगेगा मेंटली? यस. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तुम कितना भी बोलो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी दूर भागना पॉसिबल नहीं है. क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स. चलो याद रहेगा. फिर आगे हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकेंड क्वेश्चन, एग्रीमेंट. कानूनी नियम के हिसाब से याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एग्रीमेंट, एनफोर्सेबल बाय लॉ.
अभी एग्रीमेंट के अंदर लागू होता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर ई अप्लाई होता है। एग्रीमेंट का एक लंबा सा मीनिंग है। एग्रीमेंट यानी कि एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस या एनी काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रॉमिसेस कहा जा सकता है। एग्रीमेंट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस या एनी काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ये फिलहाल भूल जाओ। कानूनी नियम के हिसाब से अगर एग्रीमेंट लीगल है तो आप उसको क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, इट इज कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। बट वही कानून बोलता है कि एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो आप डेफिनेटली उसको क्या नहीं बोल सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या है? लीगल, तो क्या कहा जाएगा उसको? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल, तो डेफिनेटली क्या नहीं कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? एन एग्रीमेंट लीगल बाय लॉ, लीगल यानी कि एनफोर्सेबल, लीगल यानी कि ओबे बाय लॉ। यहां तक समझा थोड़ा सा? एग्रीमेंट को लीगल करने के लिए कानूनी नियम के हिसाब से यू मस्ट फुलफिल सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 ये सबसे इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने लॉ के अंदर। सेक्शन 10 का मीनिंग होता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। अभी जो भी 5-6 पॉइंट हम लिखेंगे फ्रेंड्स, उसमें से एक पॉइंट भी अगर आपका फुलफिल नहीं हुआ तो डेफिनेटली एग्रीमेंट है, बट डेफिनेट उसको क्या नहीं कहा जाएगा फ्रेंड्स? लीगल, तो क्या हो जाएगा वो? इलीगल। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसका नाम है फ्री कंसेंट कहा जा सकता है। ये सब क्या हम आपको समझाते हैं। सेकेंड वन आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहा जा सकता है। थर्ड वन आता है विच इज कंसिडर एज कंसीडरेशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन आता है विच इज कंसिडर एज कैपेसिटी कहा जा सकता है। एंड लास्ट वन आता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। चलो प्लीज पेटिशन यू। सबसे फर्स्ट देखते हैं फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड बट इज अ लॉ वर्ड, और इंग्लिश में फ्री कंसर्न का मीनिंग होता है परमिशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? परमिशन, या कहा जाएगा वॉलेंटरी डिजायर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वॉलेंटरी डिजायर। कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंड्स मिनिमम हाउ मेनी पार्टीज आर है? टू पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी। दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? परमिशन। क्या होना चाहिए? वॉलेंटरी डिजायर। क्या होना चाहिए? फ्री कंसर्न। दोनों में से एक पार्टी का भी अगर फ्री कंसर्न नहीं है, परमिशन नहीं है, और आपने अगर एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट डेफिनेटली एग्रीमेंट है, बट डेफिनेट उसको क्या नहीं माना जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो उसको क्या नहीं कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझाइए, तुम्हारे जिंदगी के छोटे छोटे केसेस है। विराट कोहली का 100% फ्री कंसर्न था वो शर्मा के साथ शादी करने का। क्या नाम है शर्मा का? लेकिन वो शर्मा का उसके साथ शादी करने का फ्री कंसर्न नहीं है। होगा शादी का कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं होगा? वन पार्टी परमिशन की बोथ द पार्टीज परमिशन। सलमान का 100% फ्री कंसर्न था ऐश्वर्या से शादी करने का। ऐश्वर्या का फ्री कंसर्न नहीं है। होगा शादी का कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं होगा? वन पार्टी परमिशन की बोथ द पार्टीज परमिशन। सैफ अली खान का 100% फ्री कंसर्न था करीना से शादी करने का, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक करीना का उसके साथ शादी करने का फ्री कंसर्न नहीं है। होगा शादी का कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं होगा? वन पार्टी परमिशन की बोथ द पार्टीज परमिशन। 7 साल उसको आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलने के बाद उसका सामने से आई लव यू आया, तो जब तक दोनों का कंसर्न नहीं है, होगा शादी का कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं होगा? वन पार्टी परमिशन की बोथ द पार्टीज परमिशन। दोनों में से एक पार्टी परमिशन नहीं है फिर भी एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट क्या होगा? लीगल के लीगल। समझा ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कानूनी नियम के हिसाब से ऑफर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहले याद रखना कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी से आपको दिल से पढ़ाऊंगा, लेकिन ना मैं जबान से पढ़ाऊंगा ना मैं दिमाग से पढ़ाऊंगा। मैं आपको दिल से पढ़ाऊंगा लेकिन ना जबान से ना रिटर्न पढ़ाऊंगा। समझेगा आपको कि नहीं समझेगा? डेफिनेटली आपको नहीं समझेगा, लेकिन लॉ में हर चीज के पीछे रीजन होता है क्यों नहीं समझेगा, सोचो। क्योंकि आपके और हमारे बीच में क्या नहीं हो रहा है? अभी जो बता रहा हूं अच्छे से करना, एग्जाम में 6 से 7 बार आ चुका है। कानूनी नियम के हिसाब से मेंटल ऑफर, कानूनी नियम के हिसाब से मेंटल ऑफर एंड मेंटल एक्सेप्टेंस, कानूनी नियम के हिसाब से मेंटल ऑफर एंड मेंटल एक्सेप्टेंस,
which is not communicated. Mental offer and mental acceptance, which is not communicated, cannot be called valid offer and acceptance. Offer acceptance कैसा होना चाहिए friends? सिर्फ mentally होना चाहिए कि communicate होना चाहिए. अगर communication absent है, legal contract की illegal contract, आप यहां से नीचे गए, रिक्शा वाले को दिल से बोला without communicating कि भैया कांदीवली स्टेशन आओगे, समझेगा आपकी दिल की बात क्या नहीं समझेगी? क्यों नहीं समझेगी? आपके और ऑटो वाले के बीच में क्या नहीं हो रहा है? तो मेंटली होना चाहिए कि कम्युनिकेट होना चाहिए? इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन येट यू आर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, दैट एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर एज लीगल के इलीगल? इफ इट इज इलीगल, इट कैनॉट बी कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट. बोलो समझाइए. लेकिन वही कानून बोलता है कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ प्लस क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल. टेक फॉर एग्जाम्पल कि आपके मॉम ने आपको एक 100 रुपीज दिया और कहा कि जा बेटा नीचे से प्लीज गेट मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, 1 लीटर मुझे तेल ला के दीजिए. अब कोई दुकान वाले के पास गए और आपने उधर जाके कम्युनिकेशन, दुकान वाला पूछ रहा है कि आपको कौन सा तेल चाहिए, खाने का तेल चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, सर पे डालने का तेल चाहिए, जलाने का तेल चाहिए? अब बेटा वो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो तेल चाहिए. अभी कानूनी नियम के हिसाब से ये जो एग्जाम्पल हमने दिया वो एग्जाम्पल में आपका डेफिनेटली क्या हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली क्या नहीं हो रहा है? कानून बोलता है दोनों में से एक भी पॉइंट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो द एग्रीमेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इललीगल. आप अपने पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट या होटल के अंदर खाना खाने जाते हो, वेटर आया, वेटर को आपने कम्युनिकेट किया खाना लेके आ, वेटर ने बोला यस, क्या लेके आ? खाना लेके आ. बोला ना, बोला क्या? खाना लेके आ. आप कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन मीनिंगफुल की मीनिंगलेस. खाने में वड़ा पाव लाओ, सिजलर लाओ, पिज्जा लाओ, बिरयानी लाओ कि क्या लाओ, कम्युनिकेशन किया कि नहीं किया? मीनिंगफुल की मीनिंगलेस. एक पॉइंट होना चाहिए फ्रेंड्स कि दोनों फुलफिल होना चाहिए. तो फर्स्ट क्या आता है? फ्री कंसर्न, मतलब परमिशन ऑफ वन पार्टी की बोथ द पार्टीज. सेकेंड आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए? ओनली कम्युनिकेशन की विद मीनिंगफुल. वैसे थर्ड आता है कंसीडरेशन. कंसीडरेशन फिलहाल हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप चैप्टर वही है. फिलहाल याद रखो कि कंसीडरेशन का एक ऑर्डिनरी मीनिंग होता है वैल्यू फॉर मनी कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? वैल्यू फॉर मनी, या फिर इसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है समथिंग इन रिटर्न कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? समथिंग इन रिटर्न. इतना ही याद रखो, बाद में आगे देखेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट आता है कैपेसिटी. कानूनी नियम के हिसाब से कैपेसिटी के अंदर इंसान को 3 चीज फुलफिल करना जरूरी है. पहला तो आता है द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 18 इयर्स. सेकेंड आता है द पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए. एंड लास्ट वन आता है द पर्सन मस्ट बी ऑफ सॉल्वेंट कैरेक्टर होना चाहिए. कानूनी नियम के हिसाब से टेक फॉर एग्जाम्पल कि आप इंडिया में ड्राइविंग का लाइसेंस लेना चाहते हो, ड्राइविंग का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कानूनी नियम के हिसाब से कहने से कि वो जो भी एज का क्राइटेरिया रहेगा, लिमिट रहेगा, वो आपको खत्म करना जरूरी है. अगर उससे कम है और आप ड्राइविंग का लाइसेंस तो भी लिया या लेने गए तो आपका ड्राइविंग का लाइसेंस क्या हो जाएगा? इलीगल. तो हर देश में कुछ ना कुछ एज क्राइटेरिया होता है. इंडिया में 18 इयर्स है, पाकिस्तान लॉ में 14 इयर्स है, अमेरिकन लॉ में 17 इयर्स है, जापान के लॉ में 21 इयर्स है, चाइना के लॉ में 22 इयर्स है. जो देश का जो भी रिस्पेक्टेबल एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपको खत्म होना चाहिए. अगर वो एज क्राइटेरिया के पहले कोई भी एग्रीमेंट किया तो अपना एग्रीमेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इलीगल. समझा फ्रेंड्स 18 इयर्स वाला? श्योर. लेकिन वही कानून बोलता है कि 18 का रूल इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि इंडिया में लड़का और लड़की को शादी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो गर्ल मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 18. लेकिन लड़के के लिए फ्रेंड्स 18 का क्राइटेरिया नहीं है, लड़के के लिए इट इज 21 कंप्लीटेड. तो कहने से कि 18 का जो रूल है एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम. तो सर्टन एज कुछ ना कुछ 19-20 का है. जैसे कि आपका ले लीजिए फ्रेंड्स, आप जो दे रहे हो फाउंडेशन, फाउंडेशन इज नॉट 11-12, मैंने आपको पहले ही बोला इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. तो यहां भी एज क्राइटेरिया है. एज क्राइटेरिया में सबसे पहला तो आपका दो कंडीशन होना चाहिए,
यू मस्ट बी 12 पास होना चाहिए एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 17.5. तो जब भी आप एग्जाम देते हो तभी 99% केसेस देख लगना कि आपका 17.5 जो एज रहता है वो खत्म होता है, इंश्योर रहता ही आप लोग, क्योंकि अगर आपका वो खत्म हुआ तो ही फिर आप क्या दे सकते हो, नथिंग बट फाउंडेशन प्रोफेशनल एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट. अभी 2 साल पहले हम लोग को प्रॉब्लम आया था, 2-3 साल पहले प्रॉब्लम क्या आ गया था कि सीएस का पेपर बहुत ही लो ग्रेड पे आता था. अभी लोचा क्या होता था, सीएस में बच्चे पास और 12th में बच्चे फेल. तब एक नया क्वेश्चन आता है कि भाई क्या किया जाए, तो इन लोग ने 2 नया रूल बना दिया कि अगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो आपका 12th का मार्कशीट आने के 4-5 महीने के बाद ही आप दे सकते हो. तो अगर बच्चा फेल हुआ रहेगा तो कहने से कि वो डेफिनेटली 12th का 12th में फेल हुआ रहेगा, तो फाउंडेशन एग्जाम देने का पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं रखता है. तो नाउ अभी डिग्री क्या है, 12 पास एंड 17.5. तो कहने से कि 18 का रूल एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ही ऑल कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी एज क्राइटेरिया रहेगा खत्म होना जरूरी है. बोलो समझा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट. वैसे ही आता है पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए. कौन सा होना चाहिए फ्रेंड्स, इंसान कौन सा माइंड नहीं हो सकता है, अनसाउंड नहीं हो सकता. कौन नहीं हो सकता है, अनसाउंड. अनसाउंड के अंदर याद रखना कि 3 चीज आती है. सबसे फर्स्ट आता है जिसका नाम है लूनेटिक, LUNATIC. नेक्स्ट वन आता है जिसका नाम है एडियट्स, IDOTS, एडियट्स. और लास्ट वन आता है ड्रंकन पर्सन. लुनेटिक सुना फ्रेंड्स, लुनेटिक, लुनेटिक यानी कि टोटल गॉन केस. लुनेटिक यानी कि टोटल गॉन केस, मेंटली रिटार्डेड पर्सन. कोई भी ऐसा इंसान जिसमें कुछ है ही नहीं उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स लुनेटिक. तो लुनेटिक को साउंड माइंड कहा जाएगा कि अनसाउंड माइंड. एंटर इनटू एग्रीमेंट की प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट आता है इडियट. सुना है फ्रेंड्स इडियट, हैव यू सीन अ मूवी नेम 3 इडियट्स? हाँ, वो नहीं है. ये इडियट मतलब है, कितना मालूम नहीं है. कभी भी कोई इंसान देखना कि कोई ना कोई इंसान नमूना रहता ही है. जब तक वो इंसान को हर चीज आप 6-7 बार नहीं समझाओगे तब तक उसको समझना पॉसिबल नहीं है. कुछ हद तक एग्रीमेंट करने से प्रोहिबिट किया जाता है, जैसे कि इस जनरल एग्जाम देता हूं फ्रेंड्स, माई ड्राइवर इज अ इडियट. वो उसका ड्राइविंग अच्छा था यार, बट मुझे कहां जाना है और मुझे उसको समझाना, यानी कि आई यूज टू बिकम लुनेटिक. अभी उसका नाम था पांडे जी. अभी पांडे जी को हमेशा मैंने बोल के रखा था कि अब जब भी गाड़ी ऑन करते हो यू पुट ऑन दी एसी. एसी रहता तो अंदर क्लीनिनेस रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता तो जाने को अच्छा लगता है. उसका एक ही आंसर आएगा, हाँ साहब, बस ऐसे मुंडी लाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा. कुछ साल पहले विथ माई फैमिली आई वॉज जस्ट गोइंग टू आर सिटी मॉल और मैंने पांडे जी को बोला कि साहब एसी ऑन करो. बोला यस साहब एसी ऑन कर रहा हूं. 3-4 सिग्नल क्रॉस हो गए, साहब एसी ऑन करो. हाँ साहब एसी ऑन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं. और 3 सिग्नल क्रॉस, साहब एसी, हाँ साहब कर रहा हूं. और कहते कहते आर सिटी आ गया. अभी उस दिन अनफॉर्चुनेटली आर सिटी में क्या हो गया कि पार्किंग नहीं मिला. तो मैंने पांडे जी को बोला कि आप गाड़ी लेके इधर ही रुको, मेरे को 2-3 घंटे का काम है, मैं खत्म करके आता हूं, आपको मैं फोन करेगा तो आप गाड़ी लेके आ जाना. तो उसने बोला ठीक है. और 2-3 घंटे के बाद काम खत्म हो गया, मैं पांडे जी को फोन कर रहा हूं, हमारे पांडे जी फोन नहीं उठा रहे. 18-20 बार फोन किया, हीरो फोन ही नहीं उठा रहा है. तो मैंने मेरे वाइफ को बोला कि जस्ट वेट, आई विल जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि क्या हुआ है. मैं देखने के लिए गया तो हमारा पांडे जी हमारा फोन नंबर देख रहे हैं. बोला साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और पता नहीं साहब जाना पहचाना नंबर है, सोच रहे किसका नंबर है. अरे तू सोच रहा क्यों है, उठा के बात करिए, मेरा नंबर है. बोला हाँ साहब वही जाना पहचाना नंबर है. इडियट्स, मार्केट में एक ढूंढो 4 मिलते हैं. जनरल बता रहा हूं, कभी कभी देखना अपने फ्रेंड सर्कल में या कजिन में एक तो नमूना रहेगा ही. नहीं नहीं प्लीज एक दूसरे को मत देखो यार. हाँ, वो इंसान को जब तक आप हर चीज 3-4 बार नहीं समझाओगे ना, उसको समझेगा ही नहीं. क्या कहा जाता है, एडीएस. तो सच पर्सन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट. बोलो समझाइए फ्रेंड्स. देन वैसे आता है ड्रंकन पर्सन. सुने क्या ड्रंकन पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान जिसने अल्कोहल कंज्यूम किए स्टेज में है. एट दैट टाइम सच पर्सन इज कॉन्शियस की अनकॉन्शियस. तो सच पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट. अभी जो केस बता रहा हूं ये बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था और ये न्यूज़पेपर में बहुत केस उछला था, अगर शायद आपको याद रहेगा. 2006-07 में बॉम्बे हाईकोर्ट में ड्रंकन पर्सन पे केस आया था.
केस में क्या हो गया था कि इट वॉज अ केस ऑफ अ फीमेल नेम नूरी हवेली वाला. अभी नूरी हवेली वाला करके कोई एनआरआई थी, जो एनआरआई कुछ बिजनेस पर्पज से 2-3 हफ्ते के लिए मुंबई में आई थी फ्रेंड्स, एंड शी वॉज रेसिडेंट एट जुहू. उसका कुछ डैडी का घर था, उधर रहती थी. अभी हुआ क्या कि एक दिन सैटरडे शाम को 8:30-9 बजे के आसपास ये नूरी हवेली वाला ने अपना पिताजी का होंडा अकॉर्ड गाड़ी लिया, और लेने के बाद बॉम्बे चौपाटी कोई कर्मा करके डिस्को रहेगा उधर डांस करने के लिए गई. लीगल, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है डिस्को में जाओ, जितना नाचना है नाचो और खुद का वजन कम करो, तो यानी कि वो लीगल है फ्रेंड्स. डिस्को में जाने के बाद शी स्टार्टेड कंज्यूमिंग एल्कोहल, लीगल. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि दारू पियो और हमारा टैक्स बढ़ाओ, यानी कि पीना भी लीगल है. बट आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल शी स्टार्टेड ड्राइविंग द कार, इलीगल, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज इलीगल. मैडम नशे की हालत में इतनी गाड़ी को बॉम्बे चौपाटी पे भगा रही है कि आगे एक हवलदार ने देखा कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, और हवलदार ने वो गाड़ी को रोकना ट्राई किया. लीगल, हवलदार का काम है कि चेकिंग कर सकता है. मैडम इतने नशे की हालत में थी कि मैडम ने हवलदार को उड़ाया, इलीगल. आगे एक टैक्सी खड़ा है, टैक्सी को भी उड़ाया, इलीगल. टैक्सी वाले के साथ उड़ाया, इलीगल. एक इलीगल की 3 इलीगल. आपने हवलदार को नहीं उड़ाया फ्रेंड्स, आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को उड़ाया, आपने टैक्सी को नहीं उड़ाया, तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सीडेंट किया है. टैक्सी ड्राइवर को नहीं उड़ाया, आपने पब्लिक सर्वेंट को उड़ाया. 10 साल की जेल, 25-30 लाख रुपया जुर्माना. क्यों? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. तो इंसान कौन सा माइंड होना चाहिए, कौन सा माइंड नहीं होना चाहिए? अगर अनसाउंड रहेगा फिर भी एग्रीमेंट अगर किया तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा अपना? इलीगल. बोलो, ये 4 पॉइंट समझा पहला. फिर नेक्स्ट आता है द पर्सन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इंसान कौन सा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए? एक बार कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कितने साल तक इंसॉल्वेंट रहेगा? 3 or 5 years. इन शॉर्ट 3 से 5 साल तक वो इंडियन सॉइल पे कोई भी एग्रीमेंट करने का कैपेसिटी नहीं रख सकता है. तो इंसान कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, सॉल्वेंट की इंसॉल्वेंट? सुना, लेकिन सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट सुना है ना? अभी तुम लोग का बैच थोड़ा सा आधा घंटा ही हुआ है, मैच्योर लग रहा है, इसलिए मैं इसमें केस स्टडी बता रहा हूं. समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक, क्योंकि ये समझने के लिए तुमको सबसे पहले प्रोफेशनल स्कैंडल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए. समझा? नहीं समझा तो भी ठीक, समझा तो ठीक. सॉल्वेंसी इनसॉल्वेंसी को समझने वाला एक इंसान था जिसने ऐसे स्कैंडल किए थे कि पूरा इंडियन हिस्ट्री चेंज हो गया अपना फ्रेंड्स. ऑब्वियसली केस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बड़ा केस तो नहीं बोल सकता मैं, अपने हिसाब से जो मेन पॉइंट है वही बताता हूं. हैव यू हर्ड अ पर्सन नेम मिस्टर हर्षद मेहता? उसने इंसॉल्वेंसी, अपने को है नहीं सिलेबस में, आगे आएगा. इंसॉल्वेंसी करके इंडियन लॉ में एक एक्ट है, टॉपिक है, वो टॉपिक को बहुत ही जरूर से ज्यादा समझा था फ्रेंड्स. और उसके साथ आपका अकाउंट्स का एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने सुना रहेगा फ्रेंड्स. प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी एक्ट, यानी कि इंसॉल्वेंसी एक्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों टॉपिक को हर्षद मेहता ने जबरदस्त समझा था. और समझने के बाद उसको जो गेम खेलने का रहेगा उसने वो खेला, जिसके कारण करोड़ों रुपए तक का इंडिया को नुकसान गया फ्रेंड्स. अभी हुआ क्या था कि टेक फॉर एग्जाम्पल, आई एम मिस्टर हर्षद मेहता. मैं 1981 के अंदर गुजरात के एक छोटे से गांव में से मुंबई में बिजनेस करने के लिए आता हूं, और हर्षद मेहता के हिसाब से उस जमाने में 1981 के अंदर ही गॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट विथ हिम फॉर डूइंग द बिजनेस, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द स्मॉल अमाउंट वॉज ₹5 crore इन 1981 फ्रेंड्स. हाँ, उसके हिसाब से छोटा अमाउंट था. हाँ, तो मुंबई में बिजनेस करने आया हर्षद मेहता. जैसे मुंबई में आया उसने मुंबई का जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखा है ना, उसका पूरा जो सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से स्टडी किया, सोचा समझा, और फिर उसको जो गेम खेलना था उसने गेम खेलना चालू किया. पहला तो याद रखो कि मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं कि जिस जमाने में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पैदा नहीं हुआ था, सेबी बोलते हैं, या CNBC टीवी चैनल नहीं था, इन शॉर्ट जो भी था सब कुछ अंदर ही होता था. नाउ टेक फॉर एग्जाम्पल, आई एम मिस्टर हर्षद मेहता. हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन रखे और कोई फोर्थ बैंक के मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन रखे। हालांकि ये चार बैंक नहीं है, कोई और चार बैंक थी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। हर्षद भाई सिंगापुर घूमने जा रहे हैं, मैनेजर को बोला कि भाई तू भी तेरे फैमिली को लेके चल। अब इसका तो माउंट अबू घूमने का वादा है, सिंगापुर कहां से जाएगा? तो ये बोला सर मेरा इतना फाइनेंस नहीं है। और हर्षद भाई फाइनेंस करेगा, क्यों टेंशन ले रहा है? इंश्योर मैं इसको खाने की आदत लगा रहा हूं फ्रेंड्स। हर्षद भाई के घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा ऑर्गेनाइज की है, तो उस जमाने में हर्षद मेहता अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी इनके घर पे तू लेके देखने के लिए। अभी इसका तो यह मारुति 800 के बांध है, इसको बीएमडब्ल्यू दे रहा हूं, तो यानी कि इसको भी खाने की आदत लगाओ। नहीं समझा? समझा फ्रेंड्स। दिवाली के टाइम बंगाल की महंगी में महंगी मिठाई हम स्पेशली फ्लाइट से मुंबई में मंगाते हैं और इनके घर पे किलो के किलो भाव में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके तो पेटे खाने के बांध है, बंगाल की महंगी मिठाई आ रही है। इन शॉर्ट खाने की आदत लगा रहा हूं, खाने की आदत लगा रहा हूं। समझाइए, चारों बैंक के मैनेजर को मैं 6 से 7 महीने के लिए जबरदस्त लालच दे रहा हूं, खाने की आदत लगा रहा हूं। और 4-5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मुझे जो गेम खेलना था मैंने गेम खेलना चालू किया। मैंने हर मैनेजर के साथ 5 करोड़ रुपीज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, यानी कि इनके साथ 5 करोड़ का बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। और ये बिल हमने उनके ही बैंक में डिस्काउंटिंग किया। नहीं होगा डिस्काउंटिंग, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन लोग ने बिल डिस्काउंटिंग से ना बोला तो नेक्स्ट सिंगापुर टूर आउट, नेक्स्ट बंगाल की मिठाई आउट। समझा? नहीं समझा? और यहां से मुझे 1 साल के लिए 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपीज यूज करने के लिए मिल गया फ्रेंड्स। 20 करोड़ से हमने 20 बोगस कंपनी बनाई, बोगस यानी कि फ्रॉड कंपनी। जैसे कि कंपनी का नाम है तेजस जोशी लिमिटेड, बोरीवली, दिल्ली 42, लेकिन इसका शेयर मैं मुंबई में नहीं निकालेगा, नहीं मैं दिल्ली में निकालेगा। अगर मुंबई में मैं शेयर निकालता हूं तो इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि हकीकत में बोरीवली मुंबई में है, दिल्ली में नहीं है। और इसका शेयर अगर मैं दिल्ली में निकालता हूं तो दिल्ली के इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि दिल्ली में हकीकत में बोरीवली करके एरिया नहीं है। समझाइए, तो इसका शेयर मैं कहां निकालेगा फ्रेंड्स? चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज में। और ऐसे मैंने कितनी फ्रॉड कंपनी बनाई? 20 बोगस कंपनी। समझाइए, उस जमाने में मॉर्निंग में 9:55 को शेयर बाजार ओपन होता था, तो तभी ये कुछ इक्विटी शेयर होल्डर है जिससे 50 पैसे के प्राइस में मेरे कंपनी में उन लोग ने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे फ्रेंड्स। मैंने आधे घंटे के अंदर ही 10:30 बजे के आसपास ही 50 पैसे को बना दिया 1 रुपया। इन शॉर्ट इन्वेस्टर का 10,000 हो गया 20,000। तो इन्वेस्टर बोल रहे यार कंपनी अच्छी है, क्यों? क्योंकि इंडिया में 6 साल में पैसा डबल होता है और ये कंपनी ने तो अपने को आधे घंटे में पैसा डबल करके दिया। इन शॉर्ट मैं सबको खाने की आदत लगा रहा हूं और ऐसे करते करते मैंने पब्लिक का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीता। समझा यहां तक? 4-5 महीने मैं सबको खिला रहा हूं फ्रेंड्स, और 4-5 महीने के बाद पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतते जीतते मेरे पास 500 करोड़ के आसपास आ गया फ्रेंड्स। जैसे ही 500 करोड़ के आसपास आया, फ्राइडे के शाम रातों रात मैंने कंपनी को शेयर बाजार से बंद कर दिया फ्रेंड्स। और कंपनीज एक्ट के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर एज ओनर ऑफ द कंपनी। नहीं समझा? समझा। इन शॉर्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी उनकी भी है फ्रेंड्स। समझाइए, मैं चोर हूं फ्रेंड्स, मुझे आज नहीं पकड़ा गया है, फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई पकड़ेगा फ्रेंड्स। तो जो मेरे पास 500 करोड़ बचे उसमें से मैंने इनको 5 करोड़ पे कर दिया और 480 करोड़ मेरे पास आज भी है। 480 करोड़ में से 100 करोड़ मेरे मॉम के नाम पे कर दिए, 100 करोड़ मेरे डैड के नाम पे कर दिए, 100 करोड़ मेरे वाइफ के नाम पे कर दिए, बाकी 100 करोड़ और किसी के नाम पे किए, और 80 करोड़ से मैंने और नई 80 बोगस कंपनी बनाई। अभी कितने साल से कर रहा था इसका आज तक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। 1991-92 में जब हर्षद मेहता को पकड़ा तभी उसके मॉम पे नाम पे कुछ 2,000 करोड़ मिले थे, उसके डैड के नाम पे कुछ 1,100 करोड़ मिले थे, वाइफ के नाम पे 3,500 करोड़ मिले थे, साले को भी नहीं छोड़ा था, साले के नाम पे 300-350 करोड़ थे, लेकिन खुद के नाम पे कुछ भी नहीं है। समझा यहां तक? श्योर। सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई वाले मुझे पकड़ रहे हैं और बोलते कि तेरा पैसा गया किधर। तो मैंने बोला मेरा तो शेयर बाजार में ही पैसा गया है, मेरा तो हालत ही खराब है।
तो बोला तेरे फैमिली के पास इतना पैसा कहां से आया? बोला मुझे क्या पूछा, उन लोग का जाके पूछो। सीबीआई वाले ने मेरे फैमिली मेंबर को उन लोग ने अरेस्ट किया और उन लोग को पूछा कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। फैमिली मेंबर बोलते हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वो गुजरात के जामनगर इलाके के राजा एंड महाराजा थे, और 1947 में जब भी देश आजाद हुआ तो जामनगर का एक पार्ट पाकिस्तान में है और एक पार्ट अपने इधर है। तो जो हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे वो जामनगर का इलाका पाकिस्तान में है, तो उधर से सब हम मिलकर इंडिया में लेके आए। समझा नहीं समझा? इन शॉर्ट अनऑफिशियल अमाउंट हो गया ऑफिशियल। अभी ये सब इन्वेस्टर मुझे धमकी दे रहे हैं कि अर्शद तूने हमारा पैसा कायम, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैंने बोला तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगे, मैं तुमको नहीं छोड़ेगा। मैं गया पाइदूनी कोर्ट के अंदर, जवेरी बाजार के बाजू में सबसे छोटा कोर्ट है पाइदूनी कोर्ट। उधर जाने के बाद जज को मिला और जज को बोला कि यार मैं सुसाइड का प्लान कर रहा हूं। बोला क्यों? बोला सब इन्वेस्टर पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं है क्या करूं। जज बोलता सुसाइड अलाउड ही नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि इंडिया में मर्डर इज इलीगल, डेंजरस परफॉर्मेंस इज इलीगल एंड सुसाइड इज ऑल्सो इलीगल। बोला करूं क्या? तो जज ने बोला एक काम कर, बैंकरप्सी फाइल कर दे, इंसॉल्वेंसी फाइल कर दे। हालांकि मैं था इंसॉल्वेंसी फाइल करने को ही, लेकिन मैं जज नहीं करता कि मैं इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा हूं, नहीं समझा? और जज ने इंस्टेंट मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया कि हर्षद भाई हैज बीन डिक्लेयर बैंकरप्ट बाय इंडियन लॉ। इंस्टेंट मैंने सेकेंड डे न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया कि हर्षद मेहता हैज बीन डिक्लेयर बैंकरप्ट बाय लॉ एंड दिस इज कोर्ट ऑर्डर। तो कोई भी मेरे पास कुछ भी अगर मांगा और मुझे हार्ट अटैक अगर आया तो जो आगे देखा जाएगा हो जाएगा। इंश्योर सब पैसा मांगेगी कि सिक्योरिटी देंगे? सिक्योरिटी देंगे। क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंसी एंड इनसॉल्वेंस। समझाइए, आज ऐसा नहीं होता है। अगर आज तुम लोग ने कभी भी ऐसा कुछ किया, मैं समझ गया, हाँ, आज ऐसा अगर किया तो सबका बड़ा बाप आके बैठा हुआ है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम बुलाते हैं सेबी। सुना ना सेबी? सेबी का फ्रेंड्स जन्म होने का बहुत हद तक रीजन क्या है? हर्षद मेहता स्कैंडल। एक हाईली एजुकेटेड पर्सन आया जिसने इंडिया का बीएससी का स्ट्रक्चर समझा और 8-10 करोड़ का सॉरी 8-10 हजार करोड़ का घोटाला करके लेके गया और कोई कुछ नहीं कर सका, इसलिए सेबी को जन्म किया। आज अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सेबी तुमको जिंदा नहीं रहने देगा, लेकिन नहीं तुमको मरने देगा जब तक तुम एक एक रुपए का हिसाब नहीं दिखाते हो। तुम्हारे सामने केस है, फिलहाल 3 साल में ऐसे 2 केस हुए इंडिया में। एक है विजय मालिया और एक है सुब्रत रॉय सहारा। और विजय मालिया का जो दिखाया जा रहा है वो बहुत हद तक मीडिया फालतू है। मीडिया तुमको एक ही चीज दिखा रही है, 9000 करोड़। उल्टा ये जो 9000 करोड़ का घोटाला हुआ उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? बैंक। क्योंकि बैंक का एक ही रूल होता है कि जब भी तुमको 100 रुपए का लोन देती है उसके सामने 130 रुपए का प्रॉपर्टी तुम्हारे पास मांगती है, नहीं समझा? समझा? तो सबसे ज्यादा सेफ कौन है? लेकिन मीडिया बैंक नहीं दिखा रही है, मीडिया क्या दिखा रही है? विजय माल्या 9000 करोड़, विजय माल्या 9000 करोड़। इसलिए विजय माल्या इंडिया छोड़ के भागा और जो किया वो सही किया। अगर वो इंडिया में रहता, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया रहता तो गांव भर के उसके ऊपर चार्जेस लगाए रहते और फिर उसको जो डिसीजन देने का था वो डिसीजन दे ही नहीं सकता था। कम से कम लंदन गया है, यूके गया है, तो कहने से कि वो उधर बैठे बैठे इंडिया में एडवोकेट को पैसा पे करके अपना डिसीजन दे सकता है, नहीं समझा? समझा? तो ये पूरा इज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स फ्रेंड्स, और अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिक्स में क्या हो गया, ट्रैप। मैं ये नहीं बोलता कि विजय माल्या को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, विजय माल्या की भी बहुत गलती थी। मेन गलती एक ही है कि साला इनकम है 1000 रुपए का और उड़ी मार रहा है 5000 रुपए का। जब भी उसको मालूम है कि किंगफिशर एयरलाइंस लॉस में चल रहा है, पहले ही अगर एहतियात को बेच दिया रहता, सिंगापुर एयरलाइंस को बेच दिया रहता, अरे कुछ नहीं तो एयर इंडिया को बेच दिया रहता, तो कहने से कि पैसा कैश होने का चांसेस। सी समटाइम यू हैव टू बिकम गुजराती, धंधा लॉस में जा रहा है, बेचो धरा पैसा रोकड़ा करो और सिंधी बन के कल्टी खाओ, नहीं समझा? समझा? तुम साला लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, आने दे, ऐसा धंधा नहीं चलता है। तो अभी देखो क्या होता है, सॉल्वेंसी एंड कहते हैं भाई, लॉ अपना तुम्हारा अधिकार है जो तुमको मालूम तक नहीं है, तो तुम क्या करता है? क्राइम पेट्रोल, तो समझता ही नहीं है। दिस एवरीथिंग इज योर पावर्स एंड थिंग्स फ्रेंड्स। समझा गया?
मेहनत करेगा ना, पक्का ना? ठीक है चलो, समझा यहां तक? फिर लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। कानूनी नियम के हिसाब से याद रखना कि नो डाउट आपने ये चारों के चारों पॉइंट फुलफिल किए हैं फ्रेंड्स, बट वही कानून बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया तो अपना एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? इलीगल। जैसे कि टेक फॉर एग्जांपल, आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया और सेकंड क्लास में जा रहे हो, लीगल ऑब्जेक्ट की इलीगल ऑब्जेक्ट? लीगल ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने सेकंड क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, क्यों इलीगल है? बिकॉज यू आर पेइंग लेस एंड गोइंग बाय हायर क्लास। लेकिन आपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास से जा रहे हो, लीगल के इलीगल? फर्स्ट क्लास का टिकट लिया सेकंड क्लास से जाना, बिकॉज यू आर पेइंग मोर एंड गोइंग बाय लोअर क्लास। बट आपने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और छपरे पे बैठ के जा रहे हो, लीगल के इलीगल? छपरे पे बैठ के जाना इलीगल इसलिए है क्योंकि अगर आप चिपक गए तो जो 3-4 मिनट ट्रेन लेट होती है उसमें इंडियन रेलवे का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जाता है। इसलिए छपरे में बैठ के जाना और चिपकना भी एक टाइप का क्या है? इलीगल ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। श्योर? जैसे कि तुम्हारा एक प्रोग्राम आता है खटो के खिलाड़ी, अक्षय कुमार, फियर फैक्टर, कहां होता है उसका शूटिंग? इज नॉट इन इंडिया। किधर है? सिंगापुर में नहीं है शायद, अर्जेंटीना, जहां भी रहेगा, बट वाई नॉट इंडिया? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इलीगल। देखो फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे सब डेंजरस स्टंट करने का, परफॉर्मेंस करने का, जिससे इंसान का जिंदगी जाने का फुल चांसेस है, तो ये भी इंडिया में क्या कहा जाता है? इलीगल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोबरा नहीं है, भर भर के कोबरा है, बट इंडिया में ऐसे सब शो को दिखाना लीगल है, बट इंडियन सॉइल के ऊपर ऐसे सब शो का परफॉर्मेंस करना क्या है? इलीगल। तो कल उठ के ऐसा कोई भी डेंजरस परफॉर्मेंस वाला शो किया और कल एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, तो द पर्सन हु इज डूइंग सच वल्गैरिटी विल बी अननेसेसरली पुट टू अ लॉस। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल के इलीगल? लीगल। सो दिस आर योर 5 पॉइंट्स जिसको कहते हैं सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, ये तीन समझा? अब ये तीन में क्या डाउट है प्लीज आस्क मी, बाद में आगे देखते हैं। क्लियर करो पहला जो भी डाउट रहेगा, क्लियर करो फिर आगे देखते हैं। बोलो बेटा, बाकी मैंने बोला ना नेक्स्ट चैप्टर करेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कहां गया ये? सबसे बड़ा में बड़ा इंसान है आज की तारीख में, इसके बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। ये सबसे बड़े में बड़ा भगवान है। तुम हिंदू हो, नोट पे कभी कुछ नहीं लिखा रहेगा, मुस्लिम हो तो भी नहीं लिखा जाता, उल्टा इसका मंदिर बनाओ, तुम दिन में 4 बार आरती करो। भिखारी के पास भी ये चलता है, कोचिंग क्लास में भी यही चलता है, आरबीआई में भी यही चलता है, मोदी के पास भी यही चलता है। मोदी काय को कल जाके 45 मिनट जाके प्रवचन देके आया? इसलिए प्रवचन देके आया क्योंकि अमेरिका को वॉर्न किया कि इंडिया भी आगे बढ़ने वाला है, चाहते तो पैसा लेके आ, डाल इधर, हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं डाला तो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेक्स्ट टूर मेरा जर्मनी है, उसके पहले 3 टूर मेरा कतार, अफगानिस्तान हम जाके आए, और अफगानिस्तान से एक पाइपलाइन जो रहेगा पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया में ला रहे हैं। इन शॉर्ट हम सबको धंधा दे रहे हैं, इन शॉर्ट सबका पैसा इधर आएगा, तो इंडिया में इंडिया का करेंसी ऊपर की नीचे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसका रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी। नहीं समझा? समझा, इज अ ह्यूज पॉलिटिक्स। उल्टा यू मस्ट गो एंड थैंक्स टू मोदी कि तुम्हारे कारण मोदी कम से कम इतना ऊपर आ रहा है और कमाने मिलेगा, तुम छापने वाले हो ऐसा फ्यूचर में। चल समझा ये 5 पॉइंट? श्योर? बोलो है इसमें कोई डाउट? लिखोगे थोड़ा सा? थोड़ा लिख लो ना फ्रेंड्स, एक नोटबुक मत बनाओ, कोई एक टेक्स्ट बुक रहेगा उसके पीछे लिखोगे तो भी चलेगा, 3 या 4 ही पेज लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है फ्रेंड्स। या ठीक है चलो एक नोटबुक बना दो, थोड़ा थोड़ा नोटबुक में देता रहेगा फ्रेंड्स। चलो मेक इट फास्ट। ये हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज गिव दैट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर फर्स्ट वन,
अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन ऐसा लिखो फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन यू ऑब्लिक एस, अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन एच, अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन एच. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन एच. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. An agreement enforceable by law. Contract means an agreement enforceable by law. Full stop. Second point. In contract there are two parties. In contract there are two parties. Promisor. That is off.